राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में व्याप्त व्यवस्थाओं को लेकर जनसेवक महेंद्र मारोठिया शुक्रवार को अस्पताल पहुंचे। इस दौरान मारोठिया अपने साथियों के साथ पीएमओ ऑफिस पहुंचे, लेकिन ऑफिस में पीएमओ डॉक्टर टीसी गगरानी अनुपस्थित थे। इस पर मारोठिया ने पीएमओ से मोबाइल पर बातचीत कर अपनी शिकायत से अवगत कराया। मारोठिया का आरोप है कि पीएमओ ने उसकी बात ही नहीं सुनी पूरी और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। उधर थोड़ी ही देर बाद वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर MS चांदावत ऑफिस पहुंचे, जहां पर मारोठिया ने अपनी शिकायत से अवगत कराया। इस पर डॉक्टर चांदावत ने कहा कि शिकायत को पीएमओ तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन इस दौरान मारोठिया ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक इंद्रजीत सिंह को फोन कर अस्पताल में व्याप्त व्यवस्थाओं की शिकायत करते हुए अस्पताल पीएमओ द्वारा लापरवाही बरतने तथा एक आमजन से असभ्य भाषा में बातचीत करने की शिकायत की। मालूम हो कि महेंद्र मारोठिया अस्पताल में इंटर्नशिप करने आए वाले चिकित्सकों को AKH प्रशासन द्वारा बिना ड्यूटी किए ही उपस्थिति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में अस्पताल पीएमओ से शिकायत करने पहुंचे थे। मारोठिया ने बताया कि अस्पताल चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है। अगर इंटर्नशिप करने वाले चिकित्सकों की सेवाएं नियमित रूप से ली जावे तो इसका फायदा आमजन को मिल सकता है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की ओर से धांधलीवश बिना ड्यूटी किए ही उपस्थिति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। पीएमओ से मुलाकात करने पहुंचे मारोठिया के साथ सुरेश तख्ती, अशोक साहू तथा दीपक तोसिया सहित अन्य उपस्थित थे। हम सभी युवा साथी जब अमृतकोट हॉस्पिटल पहुंचे, हमें हमारी मांग जो इंटर्नशिप पे जो बाहर से डॉक्टर आते हैं उनकी स्थायी सेवाओं के लिए हम जब मांग करने के लिए पीएमओ साहब यहाँ पहुंचे तो पीएमओ साहब यहाँ उपस्थित नहीं थे। जब पीएमओ साहब हमने कॉल लगाया तो पीएमओ साहब एकदम छुट्टी पे हैं और मैं चार्ज दूसरे पीएमओ बना के जा रहा हूँ मनोहर जी चांदावत को। तो मनोहर जी चांदावत को भी हमने कॉल किया तो मनोहर जी ने कहा भाई मैं पीएमओ आज का नहीं हूँ। उसके बावजूद मैंने जॉइंट डायरेक्टर साहब से बात करी है, जॉइंट साहब को भी अवगत करवाया है और साथ ही SDM साहब को भी मैंने अवगत करवाया है। उसके बावजूद अगर ये सारी हमारी जो इंटर्नशिप डॉक्टर की स्थायी मांग इंटर्नशिप डॉक्टर की स्थायी सेवाएं अगर नहीं ली जाती अमृतकोट के द्वारा तो मैं आगामी द्वार पीएमओ साहब के रवैया भी गलत था, व्यवहार भी गलत था, उनको पता नहीं है फोन पर मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इसलिए मैं प्रशासन मांग करता हूँ ऐसे पीएमओ को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, ऐसे पीएमओ को लगाया जाए जो सेनापति मजबूत नहीं है तो अस्पताल को क्या चलाएगा। तो मैं सरकार से भी मांग करता हूँ, ऊपर के कलेक्टर साहब जॉइंट डायरेक्टर से मांग करता हूँ एक पीएमओ ऐसा लगाया जाए, जिम्मेदार व्यक्ति लगाया जाए। ये मैं सरकार से मांग कर नहीं होगा तो मैं पीएमओ साहब के खिलाफ बहुत जल्द ये भी नहीं है कि मैं धरने पे बैठ ले भी सकता हूँ पीएमओ साहब के खिलाफ।